तो हम जो टॉपिक कर रहे थे दैट वाज टैक्सोनॉमिकल एड्स. तो आई विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक एंड आई विल ट्राई कि आज फिनिश हो जाए ये चैप्टर. तो वी वर डूइंग दिस टॉपिक टैक्सोनॉमिकल एड्स. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने नहीं किया था ये टॉपिक लास्ट क्लास में? एनीवन? यस आई गेस एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास. यस यस मैम, यस ओके मैम। ओके. तो टेक्सोनॉमिकल एड्स में सबसे पहला टेक्सोनॉमिकल एड जो हमने पढ़ा था दैट वाज बोटानिकल गार्डन. तो बोटानिकल गार्डन, इसमें अगर आपको याद हो मैंने बताया था प्लेस वेयर वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक स्टडी. हैव यू रिटन दिस पार्ट आल्सो? यस यस आई गेस वी वर ऑन दिस टॉपिक. आई गिव यू एन आइडिया अबाउट दी बोटानिकल फेमस बोटानिकल गार्डन्स आल्सो, जिसमें सबसे लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन, यस एनीवन, इट इज रॉयल बोटानिकल गार्डन मैम, वेरी वेरी गुड रॉयल बोटानिकल गार्डन. वेर इट इज लोकेटेड? क्यू इन इंडिया। हावड़ा। यस नो नो इट इज इन क्यू, क्यू इंग्लैंड में, अच्छा लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज इन क्यू इंग्लैंड. एंड आई टोल्ड यू स्टोरी अबाउट दिस ऑल्सो कि दो साइंटिस्ट जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बेंथर बेंथम एंड हुकर, इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. देन आई विल कम बैक टू दिस टॉपिक अगेन. बेंथम एंड हुकर दे वर द फर्स्ट, दे वर द क्यूरेटर्स. क्यूरेटर्स वर द वंस बिकॉज दे वर द वंस हु प्लांटेड फर्स्ट प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन सिस्टम इन दिस गार्डन. तो बेंथम एंड हुकर, हुकर बंथम एंड हुकर दे वर द क्यूरेटर्स. तो ये टर्म हम अगेन आई टोल्ड यू कि दीज टर्म्स आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट अब तो मर्ज हो गया नीट के साथ, बट स्टिल दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट. बोटैनिकल गार्डन इज द रॉयल बोटैनिकल गार्डन इज द लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड एंड इट इज इन क्यू इंग्लैंड. इंडिया में जो है इट इज इन रॉयल बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे? यस समवन वाज टेलिंग मी द आंसर. हावड़े कोलकाता, हावड़ा हाँ बीच ब्रा कोलकाता. कोलकाता। यस हावड़ा में है कोलकाता. तो दिस इज इन इंडिया. इसी के अलावा और जो है इम्पोर्टेंट नेशनल बोटेनिकल गार्डन, प्लीज राइट डाउन, नेक्स्ट इज नेशनल बोटेनिकल गार्डन इन लखनऊ. नेशनल बोटेनिकल गार्डन इन लखनऊ. Another one was, आप अभी इनफैक्ट एक दो लिखो. और आपको बताया था मैंने कि वाई रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो हावड़ा कोलकाता का है, वाई इट इज फेमस फॉर फॉर विच प्लांट्स इट इज फेमस फॉर, ये आप लोगों को याद है बनियन सभी को? यस ट्री, यस मैम, ग्रेट बनियन ट्री, यस बनियन ट्री, पैंडेनस और वाटर लिली। विक्टोरिया वाटर लिली. वेरी गुड, दीज थ्री प्लांट्स. तो यू हैव ऑलरेडी रिटन, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट पार्ट. बच्चे आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट द बोटानिकल गार्डन. प्लीज राइट डाउन एवरीवन, प्लीज स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट. बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं और डेड प्लांट्स? यस लिविंग 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 प्लांट्स. एंड क्या कोई और स्टेट की या कोई और कंट्री की भी हम प्लांट्स को लगा सकते हैं कहीं पे भी? मैम, यस यस मैम, यस 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 एंड देवर जनरली दे आर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो इनको क्लासिफाई, जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम और इनके नेम्स, बोटानिकल नेम होंगे. जैसे अगर बनियन ट्री लगा हुआ है वहां पे कोलकाता में, हावड़ा में, तो वहां पे उसका नाम फाइकस बैंगलेंसिस है, जो आप लोगों को आइडिया होगा कि इट इज अ बनियन ट्री. तो देवर गिवन स्पेशल नेम्स. तो आप लोग लिखोगे हेडिंग बोटानिकल गार्डन्स, दीज आर दी स्पेशलाइज्ड गार्डन्स. बोटानिकल गार्डन्स, दीज आर दी स्पेशलाइज्ड गार्डन्स वेयर
Arun, we are continuing with this part. Arun, please write down this heading. Last time humne kiya tha, Arun, you were there in the class. Arun Hassan. Yes, ma'am. Okay. Bache, isme likho botanical garden mein. These were the specialized gardens where collection of these are the specialized gardens where collection of ma'am where where collection of these are specialized gardens where collection of living plants Kashish, write down about botanical gardens. Botanical gardens ke baare mein likh rahe hum. Kashish, these are the specialized gardens where collection of living plants are maintained. These are the specialized gardens where collection of living plants are maintained for reference purpose. Maintained for its reference purpose. Koi bhi plant hoga, usme uski classification bhi hogi according to taxonomical hierarchy, kingdom, division, class, order, family, genus, species. तो ये सब classification उसके साथ detailed में लिखी होगी whether it is in a herbarium or it is in botanical garden. तो botanical garden में these plants are used for identification. और सबसे बड़ा आप लिख चुके हो Royal Botanical Garden, Kew, England में. और oldest अगर हम बात करें oldest botanical garden largest ये था oldest वो है इटली में पडुआ in Italy is the oldest one got it अच्छा ये terms neat में बड़ी confusing terms आती हैं और कई बच्चे कहते हैं नहीं मैम आपने बोला था क्यों इंग्लैंड में ही सबसे oldest है और सबसे largest भी है but उससे भी पुराना one of the oldest मैम इंडिया का जो लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट है वो वही वाला है जो कोलकाता में है yes, और yes. ये वेयर एज जो इनके ये अलग अलग है हाँ हाँ मैम दिस इज इन ऑल ओवर वर्ल्ड इट इज द मोस्ट ओल्डेस्ट और इन दिस कंट्री ओनली नो नो इट इज द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड इटली एंड इंडिया में कौन सा है इंडियन बोटानिकल गार्डन नाउ इट इज नेम्ड एज इंडियन बोटानिकल गार्डन यस विश्वजीत वेलकम टू द क्लास बच्चे वी आर डूइंग फर्स्ट चैप्टर एंड आई एम डॉक्टर महक आई एम टेकिंग योर बायोलॉजी क्लास सो वी हैव स्टार्टेड विद अ न्यू टॉपिक बच्चे ऊपर टॉप पे हेडिंग लिखी हुई है आई थिंक यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो लिखा हुआ है टेक्सोनॉमिकल एड्स अब एड्स से मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि एड्स इज अ डिजीज तो टेक्सोनॉमिकल एड्स मीन अगर आप सुनते हो फर्स्ट एड एड का मतलब होता है हेल्प तो टेक्सोनॉमिकल हेल्प में मतलब टेक्सोनॉमी में कौन सी हेल्प है ये दिस इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिकल एड तो वी हैव जस्ट नाउ स्टार्टेड विद दिस टॉपिक बोटानिकल गार्डन ये आप लोग लिख चुके हो इंडियन बोटानिकल गार्डन लार्जेस्ट इज इन कैलकटा और हेडिंग लिखो अदर बोटानिकल गार्डन्स राइट डाउन इसमें लिखो नेशनल बोटानिकल गार्डन
सॉरी नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, NBRI बोलते हैं इसको, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ. अब जब हम लिविंग की बात कर रहे थे तब तो आया था ये बोटानिकल गार्डन, और अगर आपको बताया था डेड प्लांट्स के लिए देन इट वॉज हर्बेरियम. वेरी गुड. तो हर्बेरियम जो है वेयर डेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड फॉर रेफरेंस पर्पसेस, मतलब आगे फ्यूचर यूज के लिए, रेफरेंस के लिए हम इनको प्रिजर्व करते हैं. तो हर्बेरियम में लिखो कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्रेस्ड माउंटेड प्लांट्स, कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्रेस्ड collection of dried pressed collection of लिख लिया सभी ने? Yes ma'am, dried pressed mounted plants. Ma'am what? Plants mounted plants. Yes ma'am. Okay. अच्छा इसमें अब आप लोगों ने एक टॉपिक समझना है, हर्बेरियम हम शीट्स कैसे बनाते हैं. तो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, इफ यू ऑल हैव रिटन कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? यस मैम. ओके. अच्छा अभी ये पूछा गया कैसे हम बोटानिकल जो हर्बेरियम शीट्स हैं क्या बनाते हैं. हर्बेरियम शीट्स जो हैं दे आर बिग ड्राइंग शीट्स. ड्राइंग शीट्स अगर आप लोगों ने बड़े साइज की शीट्स देखी हो, फाइन आर्ट स्टूडेंट दे यूज दिस बिग शीट्स. और सपोज आप कहीं घूमने गए हो, सपोज हमने यहाँ पे क्लास का ट्रिप रखा है एंड आई हैव टेकन ऑल ऑफ यू टू मसूरी, जहाँ पे भी हिल स्टेशन है जहाँ पे प्लांट्स की कलेक्शन अच्छी होती है. तो लेट्स से वी हैव मूव्ड टू मसूरी फॉर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स. और अब जब आप प्लांट्स लेने गए, यू नीड टू कैरी पॉलिथीन बैग्स, न्यूज़पेपर्स एंड नोटबुक पेन अलोंग विद यू. अब जैसे ही हम चल रहे थे तो आपने देखा कि कहीं पे जो प्लांट्स थे रोड साइड पे कुछ प्लांट्स लगे हुए थे, फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड व्हाट यू डिड वाज यू अपरूटेड देम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थे. तो आपने एक उसको लगा कि इट इज अ कॉमन प्लांट. तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, सपोज आर्यन, तो आर्यन ने क्या किया, आर्यन ने उस प्लांट को अपरूट किया, क्योंकि एज दिस प्लांट वॉज स्मॉल इन हाइट तो उसने फटाफट से अपरूट किया और उसको पॉली बैग में डाल दिया. ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड था. तो आपने अपनी नोटबुक में टाइम ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, मुझे पता चल गया कि कौन सी रोड है. सपोज वो गांधी रोड थी तो मैंने लिख दिया गांधी रोड. सो मैं वी आर डूइंग दिस हर्बेरियम पार्ट. हर्बेरियम अभी अभी शी इज ट्राइंग टू जॉइन इन. यस ओके सौम्या, वी आर डूइंग दिस पार्ट. नवरीत, योर माइक इज नॉट कनेक्टेड आई गेस. I am audible to you. Yes, Navreet, try to write down the message. So herbarium jo hai, herbarium sheets banate hain. Jaise aap kisi bhi hill station mein gaye, to abhi I was telling you ki RN ne kya kiya, RN ne isko uproot kiya. Aap hill station pe gaye, hum puri class gayi aur puri class ko maine bola ki hum collect karenge plants. To aapne ek polythene liya, newspaper liye, notebook aur pen liya. Aur jaise hi hum chal rahe the, तो आप लोगों ने क्या किया, उसमें से एक
स्मॉल जो हर्बेरियम, छोटा सा एक पौधा लगा हुआ था जिसमें फ्लावर्स और बहुत सारे लगे हुए थे, तो आर्यन ने क्या किया, उसको सीधा अप्रोच किया और पॉली बैग में डाल दिया. साइड बाय साइड ही नोटेड द टाइम ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन एंड हिज नेम ऑल्सो. अब उसको पता नहीं था वॉट इज द नेम ऑफ दैट फ्लावर, एंड ही सेड कि नहीं मैम से मैं बाद में पूछता हूँ, तो ही वेटेड फॉर दैट थिंग. लेटर ऑन गुरलीन एंड फनीशा दे फाउंड अनदर प्लांट विच वॉज ऑन द हिल टॉप. तो चलते चलते क्या हुआ रास्ते में कि गुरलीन और फनीशा को दिखा कि एक हिल टॉप पे बहुत सुंदर सा एक फ्लावर लगा हुआ है, और अब ऑब्वियसली दे आर गर्ल्स एंड दे डोंट वॉन्ट टू गो अप अपहिल, तो व्हाट दे दैट वाज दे आस्क समवन, दे आस्क नवरीत टू गो एंड पिक दैट फ्लावर फॉर देम. तो उन्होंने बोला नवरीत को भाई ये लेके आना है. अब ऑब्वियसली नवरीत अब अगर इतनी ऊपर जाएगा और ये पेड़ पे फ्लावर लगा है या फिर एक छोटा पौधा है, ही शुड कैरी समथिंग लाइक सिकल, एक छोटा सा सिकल या फिर एक कैंची, सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर तो उसको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं उतरा उससे तो उसको बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि दोबारा जाना पड़ेगा. तो उसने फिर वो प्लांट ले लिया. अब फिर से वही आपने काम किया, पॉलिथीन में डाल दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरा नवरीत को पूरा प्लांट नहीं मिल पाया, तो उसने सिर्फ उसका एक फ्लावर की ब्रांच ले ली, वो ब्रांच विद द फ्लावर. और अब फ्लावर विद ब्रांच थी, तो फ्लावर को प्रिजर्व करने के लिए उसने उसको नीचे दिया, फनीशा और गुरलीन को एक एक फ्लावर, और बोला कि इनको प्रिजर्व कर लो विद इन न्यूज़पेपर. तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनते जाना कि प्लांट को हमने प्रिजर्व किया पॉलिथीन में, विद फ्लावर्स वालों को प्रिजर्व किया हमने न्यूज़पेपर्स में. और फिर से वही काम किया, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन एंड टाइम ऑफ कलेक्शन. फिर हम आ गए अपने होटल में जहाँ पे हमारा स्टे था. एम आई क्लियर टू एवरीवन? बच्चे ये जो है ना स्टोरी, जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे बड़ी नींद आएगी और समझ नहीं आएंगे पॉइंट्स. दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई एम टेलिंग यू. फिर जब आप अपने होटल में आए तो आपने क्या किया, उनको जो न्यूज़पेपर्स के अंदर रखा हुआ था फ्लावर्स को या प्लांट्स को, तो आपने उनको जो बेड्स थे, बेड्स के मेट्रेसेस के नीचे दबा दिया. इसको बोलते हैं प्रेसिंग. प्रेस इसलिए किया ताकि जिस पोजीशन में वो हैं, जिस स्टेज में वो हैं, उसी में प्रिजर्व हो जाए. और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपने न्यूज़पेपर को चेंज किया, सन ड्राई किया उसको थोड़ा सा, और फिर न्यू न्यू न्यूज़पेपर्स में रख लिया. दिस इज हाउ हर्बेरियम शीट्स आर मेड. अदरवाइज इफ दे आर ओपन, इफ दे आर ओपन तो प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर वो ओपन रही शीट्स तो वो जो प्लांट थे वो ड्राई हो जाएंगे और उनको प्रिजर्व करना मुश्किल होगा. तो आई गेस सभी को समझ आ रहा है कि हम ये कैसे मेथड कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व कर रहे हैं कैसे हम. तो वी आर प्रिजर्विंग द प्लांट्स, और हमेशा जब भी आप करते हो तो प्रेसिंग इज मस्ट. आप लेके आ गए हो जहां से आपने कलेक्ट किया है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, फिर उसके बाद आपको न्यू न्यूज़पेपर में डाल के उनको प्रेस करना है. और प्रेस करने के लिए जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यू नीड टू कीप देम अंडर योर मेट्रेसेस, मतलब जहां आप स्टे कर रहे हो तो आपने मेट्रेस के नीचे रख दिया, गद्दे के नीचे रख दिया, या फिर एक इक्विपमेंट आता है बॉटनी में बोलते हैं उसको वैस्कुलम. वैस्कुलम इज एन आयरन प्रेस जिसमें अगर आप साइंटिस्ट हो, लाइक आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम अ बॉटनिस्ट, तो अगर मैंने मैं मेरे पास भी यूज टू हैव दिस वैस्कुलम, इट्स काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक प्रेस, आयरन प्रेस, जिसमें हम पौधे को जिस पोजीशन में रखते थे वो उसी में प्रेस हो जाता था. तो वी डू नॉट नीड टू पुट देम अंडर मेट्रेसेस, तो हमें जरूरत ही नहीं होती थी, वो उस पोजिशन में रहता था. फिर नेक्स्ट डे वी हैव टू लुक फॉर देम कि कहीं वो उसके साथ चिपक ना जाए दोनों साइड से, तो उसको बार बार ओपन करना पड़ता था. फिर सन ड्राई करोगे, फिर उसको यूज करोगे. अब वो जब वो ड्राई हो गए एंड वेन यू आर बैक इन चंडीगढ़, हम मसूरी घूमने गए थे सारे, याद है ना सभी को. तो वेन यू आर बैक, तो हमने क्या किया, आपने जो जो आर्यन ने अप्रूट किया था प्लांट वो तो बहुत बड़ा था, तो आर्यन ने उस प्लांट को लगा दिया इस फॉर्म में जिसमें यहाँ थी उसकी लीव्स, क्योंकि आर्यन ने तो पूरा पेड़ ही, पौधा ही अप्रूट किया था. तो आर्यन ने एक शीट ली, शीट का साइज इट इज आस्क्ड इन सम नीट क्वेश्चंस, तो 29:41.5 cm है, या फिर वेरी करता है, किसी किताब में लिखा होगा 29:43 cm. ये शीट का साइज है, तो
तो आप देख सकते हो ये वाला साइज होगा 29 और ये वाला साइज होगा 43। तो ये 43 by 29 सेंटीमीटर साइज शीट ली आर्यन ने, उसको पेस्ट कर दिया। अब अगर आर्यन ने पेस्ट किया तो आपने, आपको पता होगा कि लीव जो है स्टिक कर जाएंगे, ये स्टेम उतर जाएगी। तो इससे बेटर है कि हम इसको स्यू कर दें। स्यू करना मतलब सिलना विथ थ्रेड एंड नीडल। तो आपने इसको स्यू करोगे तो ये पेस्टेड रहेगा फॉर लॉन्ग। और साइड में आपको इसकी पूरी क्लासिफिकेशन लिखनी है। अब आपको इसका नाम भी पता चल चुका है, इसके बारे में डिटेल में पता चल चुका है, तो आप क्या क्या लिखोगे? आर्यन नीड्स टू राइट दी लोकल नेम, वहां पे क्या लोग बुलाते थे, साइंटिफिक नेम जो इसने मेरे से पूछा, लोकेशन कहाँ से हमने कलेक्ट किया है, डेट ऑफ कलेक्शन, ये सारा डाटा आपके पास ऑलरेडी था। हैबिटेट कैसा एरिया था, नियर टू सी था, नियर टू रिवर था, नियर टू फॉरेस्ट था, तो हैबिटेट भी देना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी मेक अ हर्बेरियम शीट। अब इस हर्बेरियम शीट को हमें कवर करना पड़ेगा विद अ प्लास्टिक या सेलोफेन पेपर। आई गेस सब इमेजिन कर रहे हो कैसे कैसे हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। तो इसको yes. सेलोफेन से जब जब सेलोफेन से कवर किया, नाउ यू विल हैव, अब अगर आप लोग 10 या 12 स्टूडेंट्स हो तो यू, आई आई एम हैविंग 12 शीट्स फ्रॉम दिस क्लास, और 12 शीट्स को विद सेलोफेन पेपर ऑन इट। तो आपने ये शीट्स मुझे दी एंड आई नाउ आई हैव केप्ट ऑल द शीट्स इन एन अलमीरा। तो मैंने एक अलमीरा ली और अलमीरा में रख दिया और बोल दिया बैच 2021 का मटेरियल जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है। अब आर्यन, फनीशा, नवरीत या गुलीन मेरे पास आते हैं 10 years के बाद, मतलब आफ्टर 10 years एंड टू 2031 में, एंड यू आस्क फॉर योर शीट्स। तो मेरे पास वो शीट्स प्रिजर्वड हैं इन एन अलमीरा, और अलमीरा में बचाने के लिए कि 10 साल बाद आके पूछ रहे हो तो मुझे वहां पे रखने पड़ेंगे वो क्लोरोफॉर्म, जिसको नेफ्थलीन बॉल्स, पता है ना नेफ्थलीन बॉल्स, फिनाइल की जो गोलियां होती हैं, सो एज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रोडेंट्स, क्योंकि चूहे खा जाएंगे नहीं तो 10 सालों तक, या फिर उसपे सिल्वर फिश, अगर पता हो कि कागज पे छोटा सा कीड़ा आ जाता है तो वो खा जाता है, उससे बचाने के लिए आई पुट the phenyl thing, and that is also called as naphthalene balls or carbon tetrachloride. So I have put all the this in an Elmira. और अब मेरा एक important काम था, batch wise तो मैंने रख दिया 2021, लेकिन another thing is what I'll do, I'll put it according to the classification system. Okay, classification system. This is also important. Hi, Vishwajit. Am I audible to you? Vishwajit, we are doing this topic. Yes, ma'am. Okay. Let me start with the story once again. Vijay, we have now started with this topic, herbarium. Herbarium is the collection of dried, preserved, mounted plants. We are doing chapter one. Okay. तो चैप्टर वन में हर्बेरियम एक टॉपिक आया है। हर्बेरियम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्रिजर्व्ड एंड माउंटेड प्लांट्स। इट्स अ रिवीजन फॉर एवरीवन, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। तो प्लांट्स को, अब सपोज विश्वजीत यू वांट टू सी द प्लांट दैट ग्रोज इन अ डेजर्ट, तो डेजर्ट में जो प्लांट है वो आपने देखना है, और वो प्लांट आपने देखना है जो 50 years बैक था। तो जो नॉन लिविंग, जो अभी नहीं है, जो फॉसिल है, जो पुराना प्लांट है, उसको मैंने प्रिजर्व किया हुआ शीट के ऊपर। तो हर्बेरियम इज एन एरिया वेयर डेड प्लांट्स या ड्राइड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड फॉर रेफरेंस पर्पसेस, ये देखने के लिए कि वो मर चुके हैं, उनके जैसे हुआ करते थे। तो मैंने आपको अभी एक स्टोरी बताई हाउ कैन वी कैन मेक हर्बेरियम शीट्स, बिकॉज दिस टॉपिक इज इलैबोरेटेड इन योर एनसीईआरटी। तो वी विल सी हाउ दिस हर्बेरियम शीट्स आर मेड। तो आई वॉज टेलिंग यू विद अ स्टोरी, अच्छा विल ट्राई टू मेक, आई हैव ऑलरेडी कुक सम स्टोरीज ताकि आप लोगों के लिए इजी हो ये रिवाइज करना। तो हर्बेरियम एक शीट है, शीट का साइज दिया है, कई बार नीट में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द साइज ऑफ दिस हर्बेरियम शीट, काफी बड़ी ड्रॉइंग शीट होती है ये, 29:41.5 cm। तो 29 यहाँ पे है, 29:43 cm, 29:43 cm,
तो हर्बेरियम शीट के लिए जो प्लांट है वो कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ प्लांट इज डन. तो अब मैंने आपको बताया कि लेट्स से कि हम लोग सभी, ये पूरी क्लास हम गए मसूरी किसी भी हिल स्टेशन पे जहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा है प्लांट्स की, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी. तो लेट्स से कि हम सब गए ट्रिप पे और वहां से हमने कलेक्ट करने थे प्लांट्स. तो वहां जब आप चल रहे हो रोड साइड पे, यू विल सी एन नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन योर विसिनिटी. तो आपने उसमें क्या किया था, आर्यन ने, स्टूडेंट इन आर क्लास ओनली, आर्यन हसन ने वहां से एक प्लांट जो बहुत ज्यादा कॉमन था, आर्यन ने उसको डायरेक्टली अपरूट कर लिया बाय हैंड. इफ द प्लांट्स आर कैन बी अपरूटेड बाय हैंड इजिली देन इट इज फाइन, अदरवाइज वी नीड टू यूज सिकल. सिकल पता है सभी को क्या होती है, जो गार्डनर्स यूज करते हैं, सिकल और बिग सीजर्स, वी नीड टू कैरी देम. अब इतनी बड़ी सीजर आप तो कैरी नहीं करोगे, यू विल कैरी ओनली स्मॉल सीजर. तो हसन ने, आर्यन ने क्या किया, आर्यन ने एक प्लांट को अपरूट किया और आर्यन ने उसी के साथ, आपको अपनी डायरी लिखनी है, डायरी भी लेके जानी है और पेन भी. तो डायरी में उसने क्या किया, प्लेस ऑफ कलेक्शन, मुझे पता था प्लेस ऑफ कलेक्शन. अब मैंने आपको मसूरी बताया तो प्लेस ऑफ कलेक्शन इज नॉट मसूरी. तो इसमें आप दोगे एग्जैक्टली द एरिया फ्रॉम वेयर यू हैव कलेक्टेड. मसूरी इज बिग, तो आप लोग क्या लिखोगे, गांधी रोड या जो भी आपको रोड का नाम पता है, तो प्लेस ऑफ कलेक्शन विल बी दैट एरिया. फिर उसके साथ आप लिखोगे टाइम ऑफ कलेक्शन, उसके साथ आप दे दोगे डेट ऑफ कलेक्शन. ये सिंपल सी चीजें आप तीन लिखोगे. और जो वो प्लांट अपरूट किया आपने, यू पुट दैट प्लांट डायरेक्टली इन पॉलीथीन्स. पॉलीथीन में आप डायरेक्टली उस प्लांट को प्रिजर्व करोगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव कलेक्टेड दैट प्लांट. और अगर मैंने आपको बताया कि यू हैव फाउंड अनदर, किरण, इफ वी आर डूइंग दिस टॉपिक, गुड इवनिंग मैम. हाय विदिन, गुड इवनिंग. I hope you're yes, ma'am. Kiran, yes, ma'am. It was good. Okay, Kiran, we are doing this herbarium. Herbarium, I'll come back to you. ठीक है, तो अभी इसमें सिर्फ अभी हम ये पढ़ रहे हैं. Herbarium, अगर आपको याद हो, last class में हमने पढ़ा था dead plants are preserved. तो dead plants बनते कैसे हैं? पहले आपने living को uproot किया है, living को एक polythene में रखा है. और मैंने अभी बताया कि पूरा का पूरा पौधा अगर आप uproot कर रहे हो, you need to keep them in polythenes. और अगर सपोज हिल टॉप से, और इसमें भी हमने एग्जाम्पल दी थी कि सपोज फनीशा एंड फनीशा के साथ गुरलीन थी, दोनों को एक फ्लावर दिखा कि हिल टॉप पे है और दे हैव आज नवरीत टू गो एंड गेट दैट फ्लावर फ्रॉम द हिल टॉप. तो नवरीत को दिखा कि ये दो फ्लावर्स हैं, तो नवरीत वेंट अपहिल और इसने, इसके पास एक सीजर थी, सीजर से उसने उसको कट किया फ्लावर्स को और नीचे आके बोल दिया गर्ल्स को कि प्रिजर्व देम इन द न्यूज़पेपर. ठीक है, तो प्रिजर्व किया न्यूज़पेपर के अंदर. तो अगर आप प्लांट को प्रिजर्व कर रहे हो, नीड टू कीप देम इन पॉलिथीन. और अगर आप प्रिजर्व कर रहे हो उनको, फ्लावर्स को, यू नीड टू कीप देम इन न्यूज़पेपर. गॉट माय पॉइंट? और फिर yes, और हाँ. फिर यस, तो दिस इज हाउ वी कलेक्ट द प्लांट्स. Okay, so फिर इसके बाद जब आप प्लांट्स को लेके आए, तो आपने इनको रूम में लाके मैट्रेस के नीचे रखना है, उसको बोलते हैं प्रेसिंग. तो प्रेसिंग में क्या होता है, द प्लांट्स दे आर प्रेस्ड, जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में प्रेस करना है, दिस इज कॉल्ड एज प्रेसिंग. ओके, तो प्रेसिंग में जो है प्लांट्स को प्रेस करते हैं. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप उठोगे, उसको सन ड्राई करोगे. एंड इन द साइंटिस्ट, दे यूज दिस इक्विपमेंट व्हिच इज नोन एज वेस्कुलम. वेस्कुलम, वेस्कुलम इज एन आयरन प्रेस, ये लोहे की बनी होती है, बिल्कुल पतली सी होती है. इट इज यूज फॉर प्रेसिंग ऑफ प्लांट्स. इसको जिस कंडीशन में रख दोगे, दबा दोगे, वो वैसे के वैसे प्रिजर्व हो जाएगा. I hope आप लोगों में से भी किसी ने फ्लावर को, रोज को कभी प्रिजर्व किया. एनी वन ऑफ यू, प्लीज योर हैंड इफ यस, एनी वन हैज एवर प्रिजर्व्ड एनी फ्लावर. थोड़े टाइम के लिए जरूर रखा है, लेकिन लॉन्ग टाइम ही 2-3 डेज के लिए रखा है. क्या वो उसी कंडीशन में रह सकता?
ओके फनीशा यस नो मैम नो उस कंडीशन में नहीं रहा नो मैम ओके ओके फर्स्ट डे तो मैंने उसको लाइक सन में भी नहीं रखा बट फिर भी ना वो स्लोली स्लोली ड्राई होना स्टार्ट हो गया था अच्छा वैसे तो अगर देखो सन में आप रखोगे तो सन ड्राई करते हो तो वो जल्दी बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं तो इसीलिए दे शुड बी kept inside the newspapers. That is why I've kept sun dry. मतलब ऐसा नहीं कि पूरा दिन dry करना है. For few hours or maybe for some time. किरण समझ आ रहा है बेटे? किरण प्रीत? Yes ma'am समझ आ रहा है. Okay तो vascular में फिर preserve किया फिर जब आप आ गए उसको तो उसको sheet में ये sheet का size दिया हुआ है 29:43 तो sheet में या तो V shape में RN ने पूरा का पूरा पौधा लिया था तो उसको वी शेप क्योंकि जगह ही नहीं है इस पे पूरा लगाने के लिए शीट पे तो उसने वी शेप में लगा दिया और अगर ये ज्यादा बड़ा होगा तो इसको हम किसी और शेप में भी लगा सकते हैं एंड दैट शेप इज कॉल्ड एज डब्ल्यू शेप तो जैसे लिया इसको ऐसे डब्ल्यू शेप वी शेप या डब्ल्यू शेप इसमें ये फ्लावर है गॉट माई पॉइंट तो शीट्स को हमने लिया इस शीट को के राइट हैंड साइड ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर बेस पे आप इसकी क्लासिफिकेशन लिखोगे तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन बाय लीनियस सभी को पता है किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर तो ये क्लासिफिकेशन जो है उसमें आप नोट डाउन करोगे ये सारा सिस्टम ओके यस मैम तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है फिर ये आपकी शीट्स जो हैं इसे प्रिजर्व हो जाएंगी एंड यू नीड टू कीप देम इन अलमीरास अलमीरा में रखते हैं और ये चाहे आप 10 साल बाद देखो चाहे 20 साल बाद मैंने आपको बताया कि हमारा बैच गया तो आप 10-12 स्टूडेंट्स हो तो आपने मुझे बोला मैम प्रिजर्व कर लो 2021 में हमने प्रिजर्व किया एंड यू आस्क फॉर दीज शीट्स इन 2031 10 साल बाद आप लोग डॉक्टर्स बन के आए और आपने यू आस्क फॉर योर शीट्स तो फिर आई हैव दैट कलेक्शन इन माय अलमीरा तो मैंने आपको बोला ये आपकी शीट्स हैं फॉर प्रिजर्विंग दी शीट्स वी नीड टू कीप देम कीप दैट अलमीरा रोडेंट फ्री तो रोडेंट्स या फिर इंसेक्ट्स फ्री तो उसके लिए हमें पेस्टिसाइड्स डालने पड़ते हैं आपको बताया नेफ्थलीन बॉल्स या कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड कर सकते हो या फिर आप इसको स्प्रे करते रहोगे टाइमली तो दिस इज हाउ हर्बेरियम शीट्स आर मेड ये पूरी कहानी आपको लिखनी है एनसीईआरटी में थोड़ा ज्यादा बोरिंग तरीके से दिया है आई ट्राई टू मेड इट इन इंटरेस्टिंग फॉर्म तो आई गेस सभी को क्लियर हो गया हर्बेरियम शीट्स क्या होती है यस मैम एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज एन वैस्कुलम तो व्हाट वी विल से मैम इट इज एन आयरन प्रेस व्हिच इज यूज्ड टू प्रेस द प्लांट्स सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व्ड एंड इफ आई डोंट हैव वैस्कुलम व्हाट शुड आई डू व्हाट शुड आई नीड टू कैरी वी कैन जस्ट डू सिंपल प्रेसिंग pressing no I need to carry something with me I cannot do it not with that my... pressing huh. not that pressing wo iron wali pressing nahi ma'am you huh. told us that ki we can put it under our mattress ha mattress nahi par agar maine agar nahi agar mujhe immediately vasculum to maine wahi pe preserve kiya tha na jab hum road side pe ja rahe the gandhi road pe yaad hai abhi yes sir haan to road pe nahi nahi Or we need to carry a poly bag or a newspaper. Yes, yes, polythene bag. That's it. जब मैंने कहा आपको मैंने रोड पे वैस्कुलम में प्रेस कर दिया वो तो प्रिजर्व हो गया लेकिन अगर कुछ नहीं था मेरे पास तो मैंने उसको पॉलिथीन में प्लांट को डाल दिया ओके सो वेरियस इक्विपमेंट्स वी नीड टू कैरी फॉर हर्बेरियम शीट सो राइट डाउन वॉट इज हर्बेरियम राइट डाउन एवरी वन प्लीज राइट डाउन वॉट इज हर्बेरियम इट इज अ प्लेस वेयर हर्बेरियम एक रूम होता है जहां पे हर्बेरियम शीट्स को रखा जाता है फॉर फ्यूचर स्टडी व्हाट इज हर्बेरियम हर्बेरियम इज अ प्लेस वेयर मैम अर्लियर यू मेड अस राइट द डेफिनेशन ऑफ हर्बेरियम हां आई नो बच्चे बट नहीं आप अलग से लिखो फिर से प्लीज दोबारा नोट डाउन करो बिकॉज आई विल मेक यू राइट डाउन इंपॉर्टेंस क्योंकि ये क्वेश्चन लिख रहे हो आप व्हाट इज हर्बेरियम it is a place where herbarium sheets of plant specimen
It is a place where herbarium sheets of plant specimen are arranged according to accepted system of classification. According to accepted system of classification. Accepted AACEPTED, accepted system of classification and preserved for accepted system of classification and preserved for future study. Preserved for future study. कहते हैं इसका फायदा क्या है हर्बेरियम का? Yes, anyone? Ma'am, it helps, like just we have written, it is preserved for the future study. Very good, so, very good. It will definitely help us to study different specimens, different plants. Yes, yes. It can be used as a reference. कि आप मुझे बोलोगे मैम 10 इयर्स बैक वी सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर आइपोमिया एक फ्लावर है लेट मी गिव विद एन एग्जांपल आइपोमिया इज अ पर्पल फ्लावर दैट कैन बी फाउंड ओनली इन हिली एरिया और हिल टॉप पे ही मिलता है जैसे अभी हमने पढ़ा था ना नवरीत लेके आया था एक हिल टॉप पे एक फ्लावर है आइपोमिया आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल तो वो आइपोमिया यूज टू बी वेरी कॉमन इन अर्लियर टाइम्स इन हिली एरियाज तो चाहे आप मसूरी चले जाओ किसी भी हिली एरिया में ऊटी में कहीं पे भी So now it is very rare. Now it is considered as one of the rarest flower. So आप अगर मुझे बोलोगे मैंने बोला कि मैंने तो देखा था वो तो जगह जगह होता था आप कहोगे मैम मैंने तो आज एक भी नहीं देखा ऐसा पौधा तो I can show you that flower because I have preserved it on the herbarium sheet for future study or for reference कि ऐसा था भाई ठीक है This is how it can be used. And now if there is another hour, अगर आप बोलो कि मैम मैंने ऐसा कुछ देखा है तो आप लोगों में से किसी ने बोला आदित्य ने बोला कि मैम मैंने ऐसा ही फ्लावर देखा है बट इट इज नॉट दी एग्जैक्टली दैट यू हैव शोन मी तो आदित्य लेके आया वो बिल्कुल स्मॉल साइज फ्लावर था कलर वॉज सेम पैटर्न वॉज सेम बट द साइज वॉज वेरी स्मॉल तो मैंने बोला वो ये तो गड़बड़ हो गई कि स्पेसिमन ही इसका इसके साथ बुरा हुआ मे बी ड्यू टू एनवायरमेंट और मे बी ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स So there is a comparison also. समझ आई बात? तो एक तो आपके पास reference study हो गई, दूसरा comparison हो गया. तो herbarium के लिए दो इसके importance हैं. पहला लिखो. Ma'am, can you just repeat the this definition for this? Okay. What is herbarium? Okay, herbarium की definition लिखो. It is a place where herbarium sheets of plant specimen are arranged according to accepted system of classification. And preserved for future study. तो मैंने पहल इसमें बच्चे दो बातें बताई आपको write down importance. Herbarium sheets provide herbarium sheets provide a way of permanently preserving. Herbarium sheet provides a way of permanently preserving it for future reference and study. Herbarium sheet provides a way of permanently preserving it for future reference and study. Future reference and study. It provides a means of comparison. It provides a means of comparison
It provides a means of comparison with newly collected specimen. With newly collected specimen in order to identify them. अब मुझे सब आंसर्स करेंगे. मैं I'll ask you the question. इसी में थर्ड क्वेश्चन लिखो. लिस्ट द इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर List the equipments used for collection and preserving. For collection and preservation of plant specimen. List the equipment used for collection and preservation of plant specimen. Now my question goes to Kashish. Kashish, tell me any equipment you need to carry. Sickle. Okay, very good. Sickle or maybe knife. Yes. So sickle. Ma'am, small scissor also. Yes. Scissor also. Or pruning knife. एक ही बात होती है. Prune करते हैं sickle से. Uproot करते हैं. प्रूनिंग नाइफ खुरपी को बोलते हैं, जिसमें हम पूरा का पूरा पौधा विद सॉइल ही उठा सकते हैं. स्कूप अप बोलते हैं ना उसको. अब मुझे अंडरग्राउंड चाहिए, अंडरग्राउंड प्लांट. तो अब अगर मैंने उसको अपरूट किया तो वो तो नीचे रह जाएगा. हाँ, यस पाहुल, यू आर राइट. वेरी गुड. पॉलिथीन बैग्स, वेरी गुड. पाहुल, कैन यू टेल मी, बच्चे आप लिखो, पहले ये लिखो. सिकल एंड प्रूनिंग नाइफ लिखो. They are used to scoop out parts like rhizome or bulb. मैंने बताया जमीन के अंदर है. अगर मैंने uproot किया तो वो तो जो उसके leaves आ जाएंगे, नीचे का part रहेगा ही. मुझे फायदा क्या हो, मुझे तो leaves चाहिए ही नहीं थे, मुझे तो पूरा का पूरा plant चाहिए था. तो मैंने वो scoop out किया उसमें से. मैम, लाइक बल्ब्स बच्चे, जैसे अनियन के बल्ब्स हो गए. मुझे अनियन चाहिए था, रेडिश चाहिए था, मूली. ठीक है, मुझे मतलब प्लांट प्रिजर्व करना है. और अभी एक स्टूडेंट ने मुझे आंसर दिया. पाहुल ने बोला, पाहुल से पॉलिथीन. पाहुल, कैन यू टेल मी अपार्ट फ्रॉम पॉलिथीन व्हाट आई शुड कैरी. Pahul, speak out. Pencil or notebook. Okay, yes, ठीक है, notebook. नहीं, polythene के साथ. बच्चे यही मैंने question आपसे पूछा था कि मेरे पास, मैं तो एक scientist हूँ, मैं तो botanist हूँ, मेरे पास तो वो पड़ा है equipment. What was the name of that equipment? Press, plant press. Plant press. What is the name, scientific name? Vascular. Yes, it is a plant press. Very good. And it is vasculum. So vasculum and polythene bags. I guess sabko samajh aa raha hai ye. Shabash. I'm happy you all are participating. Dheere dheere dekhna, aapko itni easy lagegi bio. Agar aap read karoge saath saath, to aapko MCQs bhi bahut easy lagne shuru ho jayenge. Ma'am, we will not mention about newspaper. नहीं, अभी आ रहे हैं बेटे. अभी third point पाहुल ने ही बताया था, field notebook. Yes, field notebook. Ma'am, herbarium sheet. Yes, herbarium sheets.
नो यू नीड यू डोंट नीड टू कैरी अच्छा वो तो आपके पास होगी है ना जो कैरी करेंगे ओके तो नेक्स्ट लिखो फील नोटबुक के साथ लिखो मैग्निफाइंग लेंस कई बार बहुत छोटे छोटे प्लाज होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वेरी माइन्यूट इट इज यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वेरी माइन्यूट पार्ट्स ऑफ द प्लांट If I'm all alone and I'm collecting the specimen, I cannot carry so many things. So what I am doing is carrying labels and strings. धागे से बांध दो या फिर labels कर दो. Labels क्या आते हैं ना छोटे छोटे stickers आते हैं. जैसे आपके name stickers आते हैं. आपकी notebook पे आप लगाते हो तो वैसे stickers आते हैं. तो मैंने क्या किया stickers लगा दिए और लिख दिया उसपे नाम date. So these are the things. That I need to carry for collection and preservation of plant specimens. अब अगर आप देख रहे हो suppose you want to take the leaves from a big tree. This question is for Sukman or Tanveer or Soumya, any of you. Sukman, Soumya or Tanveer. This is a question, and I'm small in height according to this tree, and there is no place where I can move up to this tree. तो मेरे को ऐसी क्या चीज़ चाहिए जो मैंने को tree से यहाँ से इसके ये plant ये part चाहिए या flower चाहिए? What I should carry? किसी ने अगर देखा हो पेड़ से कभी किसी को फ्रूट उतारते हुए जो हाइट पे नहीं होते तो कैसे करते हैं क्या करते हैं मैम आई कुडंट रिमेम्बर द नेम बट इट्स लाइक एक मैम होता है उसके ऊपर स्टेप्स बने होते हैं उस पे चढ़ के हम उतार सकते हैं आप कह रहे हो लैडर लगाओगे लैडर नहीं यू कैन नॉट टेक लैडर स्ट्रिंग लैडर जैसे वो होती है जैसे आप वो जो आर्मी पीपल यूज करते हैं स्ट्रिंग लैडर लैडर टाइप स्टेप्स यस मैम एक लैडर टाइप होता है पैराकॉर्ड यस नहीं नहीं नॉट नॉट लाइक दिस बच्चे नहीं नहीं आई कैन नॉट मूव इफ आई एम ऑल अलोन आई हैव ऑल द स्पेसिमेंस बैग्स एंड आई वांट टू टेक दिस लीव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लीव तो व्हाट शुड आई डू बच्चे नॉर्मली लोग फ्रूट्स कैसे उतारते हैं पेड़ से बताओ अरे कोई कोई तो बताओ कुछ भी बोलो कुछ हम ट्री शेक कर देंगे यस नहीं 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 शेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा एक किसी ने आंसर दिया था बीच में यस अभी किसी ने एक आंसर स्टोन्स फेंके नहीं 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 किसी और ने कुछ और आंसर दिए हैं आई हर्ड इट समवन सेड समथिंग यस नवरीत सौम्या बताओ बेटे कशिश गुलीन स्पीक आउट आर्यन अरे आपने कभी आम अंबियां तोड़ते हुए नहीं देखा दे हैव अ स्टिक पेड़ के ऊपर चढ़ना मैम नहीं बच्चे चढ़ ही नहीं पाएंगे ये इस पे देयर इज नो वे आउट दे हैव अ बिग रॉड लाइक थिंग व्हिच हैज समथिंग शार्प एट इट्स एंड यस दे यूज दिस हुक और समटाइम्स दे कैरी दे ट्राई नाइफ ऑन इट एक सम बड़ा सा पोल लेते हैं बैम्बू स्टिक लेते हैं स्टिक के एंड में हम या तो वो लगा देंगे नाइफ या फिर हम एक हुक लगा देते हैं अरे जैसे आप इसको ऐसे करोगे इसे तो नीचे गिर जाएगा वो तो इसमें लिख लो 6 पॉइंट लिखो समझ आया बच्चे कोई बात नहीं आपने ट्राई करना है आई एम हैप्पी कि एवरीबॉडी इज ट्राइंग तो लिखो इसमें पोल विच इज मेड अप ऑफ बैम्बू विद अ हुक अटैच्ड टू इट पोल विच इज मेड अप ऑफ बैम्बू विद अ हुक अटैच्ड टू इट मैम पोल को कैरी करना भी तो मुश्किल ही होगा
हाँ स्टिक बच्चे पतली सी स्टिक लेके जा रहे हो क्योंकि जब आपको पता है आपने कलेक्ट ही ट्रीज के लीव्स को करना है देन ओके मैम ओके तो फिर इसके लिए मतलब ये इक्विपमेंट्स हैं दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स व्हेन यू हैव गॉन फॉर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स ओके सो आई गेस हम मतलब मैं भूल गई थी कि जब हमें कुछ तोड़ना होता तो हम उसपे लाइक स्टिक से मारते हैं फिर वो झड़ जाता है तो आई कुड हैव आल्सो सेड दैट हां हां तो वही वो दिमाग में एकदम नहीं आता डोंट वरी मैं लैडर बोल रही थी हाँ लैडर बोल रहे थे आप कोई बात नहीं और एक बच्चा तो शेक भी करवा रहा था फिर एक बच्चा इसके ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सारे आपने ट्राई किए आई एम हैप्पी ठीक है इट्स गुड बट अगर आप ये जाओ इंडस्ट्री एरिया साइड इफ यू गो टुवर्ड्स इलांटे मॉल तो वहां आपने देखा होगा मैंगो ट्रीज हैं बहुत सारे तो वहां पे लोग ऐसे कर रहे होते हैं दे यूज द स्टिक फॉर रिमूविंग द अनराइप मैंगोस अंबियां तोड़ने के लिए दे यूज दिस टेक्निक सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक आई गेस सभी को क्लियर हो चुका है पूछा जाता है व्हाट इज द साइज ऑफ हर्बेरियम शीट 29 into 43 centimeters. Yes, yes. तो या तो आप पेस्ट कर दो ग्लू लगा दो या फिर एक और मेथड बताया था सौम्या मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आप पेस्ट नहीं करोगे उस पे फेविकॉल नहीं लगाओगे उसको क्या करोगे स्यू कर देंगे स्यू करोगे स्यूइंग थ्रेड और नीडल से स्यू करोगे तो हर्बेरियम शीट साइजेस 42:28 वो भी ठीक है 43:29 सेंटीमीटर्स 43:29 सेंटीमीटर्स राइट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक zoological parks zoological park zoological park mein jisko hum bolte ho zoo bhi bolte ho maine aapko iski bhi story batayi thi इनफैक्ट अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज्यादा याद भी रहेगा तो जूलॉजिकल पार्क जो जू है जिसको बोलते हो आप इसके पॉइंट्स लिखो इनक्लोज्ड प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को रखा जाता है क्या इसमें डॉग्स को रखते हैं जू में बताओ नो मैम नो मैम नो तो ओनली दी वाइल्ड एनिमल्स एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो ओनली वाइल्ड एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड नहीं बिल्लियों को रखते हैं नो enclosed place for wild animals which are rare which are wild jo sirf jungle mein rehte hain so enclosed place for wild animals second point likho for scientific study wild animal dusra point likho for scientific study ma'am we are writing the importance of zoological parks yes, we are writing the points about zoological park. Zoological park, my definition I'll make you write down later on, but pehle aap likh do topic ke baare mein. Enclosed place for wild animals. It is used for scientific study. Next point, protection of endangered animals. Kaun sa aisa animal jo maine bataya tha endangered hai? Royal Bengal tiger. Very good. Who is this? Who gave me this answer? Ma'am Tanvi. Very good, very good. क्लास में अटेंटिव रहो रॉयल बंगाल टाइगर वेरी गुड मैंने इसके बारे में ही आपको बताया था आप हैरान हो जाओगे एक टाइम ऐसा आया था कि इनकी जो नंबर था 1466 और क्लोज टू 1400 रह गया था इंडिया में बंगाल टाइगर नाम से पता चल रहा है कि रॉयल बंगाल बंगाल से ही है तो इसका कहते थे पूरे इंडिया में जो नंबर है इनका वो गिनती के रह गए हैं अराउंड 1400 एंड दिस वॉज दी
this was very tensed situation for everyone क्योंकि ये बहुत ये अगर खत्म हो गए तो यहाँ की ब्यूटी खत्म हो जाती. ये टाइगर्स ऑल ओवर इंडिया सिर्फ यहीं पे मिलते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड सिर्फ यहीं पे के फेमस है और सबसे सुंदर है. अब मुझसे किसी ने पूछा मैम हाउ दे कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट नंबर, तब उस टाइम पे 1466 आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर्स बट yes they calculated the exact numbers by using या by detecting the pug marks. Pug marks होते हैं जो उनके पैरों के निशान. They use this pug marks for identification. It is different for all the tigers. छोटा बच्चा है, बड़ा है, mother है, female है, male है. और sometimes they use, क्योंकि वो अब ये तो है नहीं कि मुझे एक एक टाइगर मिला और एक टाइग्रेस मिली और उसका उनका बच्चा मिला फिर मैंने बोला ये फैमिली तो हो गई अब नंबर हो गया अब अगला नंबर. तो दे यूज दीज पग मार्क्स एंड यू नो व्हाट दे यूज द आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ देयर शिट फीकल मैटर पॉटी जो थी उससे आइडेंटिफिकेशन की उन्होंने. इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट इज अ न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ यू कि कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किए नंबर और एग्जैक्ट नंबर बताया. ओनली वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. यस यस इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द साइंटिस्ट बट साइंटिस्ट दे आर डूइंग वेरी टफ जॉब. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो काम करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करते हैं, यू नो व्हाट समटाइम्स द फॉरनर्स दे कम हियर फॉर टू स्टडी द लाइफ साइकिल. डिस्कवरी में आपने देखा होगा आप एक देखते हो कैप्चरिंग की, प्रे की है ना, वो देखते हो किलिंग की. बहुत महंगी महंगी इनकी वीडियोस होती हैं. अगर आप एक मिनट की क्लिप समटाइम्स दे स्टडी द होल लाइफ साइकिल ऑफ अ सिंगल मेल. आपने देखा होगा ये नाम रख देते हैं, ये बोल देते हैं ये इसकी लाइफ साइकिल स्टडी की है, इसकी फैमिली है, इसके बच्चे हुए, अब इसके दोनों कपल रह रहे हैं और फिर इनके बाद जब ये बूढ़ा हो गया, ये खत्म हो गया. तो दे कम टू स्टे हेयर फॉर लॉन्ग टाइम. वो यहीं पे टेंट हाउस बना के रहना शुरू कर देते हैं. And they earn money by distributing their videos. एक एक क्लिप करोड़ में बिकती है, डिस्कवरी वाले खरीदते हैं, बहुत सारे चैनल्स. दे स्टडी द बिहेवियर, हंटिंग का सीन कैप्चर करना है. अब देखा होगा प्रेडेटर का कितने सुंदर लगते हैं देखने में, वो जो कैप्चरिंग सीन और उनकी लाइफ साइकिल. सो ये साइंटिस्ट जो हैं रहते हैं यहाँ पे, बहुत टाइम लगाते हैं इन चीज़ों को स्टडी करने में. फिर उसके लिए उससे फायदा क्या होता है जूलॉजिकल पार्क से, लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, टू एजुकेट पीपल. और लास्ट पॉइंट आता है फॉर रिक्रिएशन. आंखों के लिए डिलाइट होती है, बच्चों को दिखाओ कितना अच्छा लगता है उनको, डिफरेंट बर्ड्स, पीकॉक्स, कुछ भी, राइनोसेरोस, हिप्पोपोटामस, जो भी आप देखते हो कितना खुशी होती है कि वाओ मैंने लाइफ में ऐसा देखा. फॉर रिक्रिएशन. नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर जू, जूलॉजिकल पार्क. दीज आर इनहेबिटेंट प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट. कैन यू रिपीट इट? हाँ, जूलॉजिकल पार्क की डेफिनेशन लिख रहे हो. दीज आर द इनहेबिटेंट प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट. दीज आर द इनहेबिटेंट प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट टू अलाउ देम टू ब्रीड and to be maintained. Where animals are kept to allow them to breed and to be maintained. Animals are kept to allow them to breed and to be maintained. So, zoological park. ये हो गया. अब next इसी के साथ एक और आता है. बताओ, जहाँ dead animals को preserve किया गया था, बोलो. Yeah, ma'am. Museum.
म्यूजियम वेरी गुड. तो म्यूजियम में डेड एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं एंड सबने देखा होगा कि वहां पे जैसे स्नेक है, अब तो खैर पेटा वालों ने मना कर दिया, पीटा वालों ने, कि एनिमल्स को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते हो क्योंकि लोग मारने लगे थे, जिंदा जानवरों को मारते थे और लैब्स को बेच देते थे. तो अब आपने कभी देखा है वो एक पानी में पड़े होते हैं. Have you ever seen this? How many of you have seen that they are preserved in a chemical? I've seen videos. Not videos. Yes, ma'am. Reality में किसने देखा lab में जाके कि वो पानी में डाले होते हैं, किसी चीज में डाले होते हैं? Anyone from your no? No one? Ma'am, I have seen in the museum only in Jammu. Okay, you have seen it कि वहाँ पे उसके अंदर किसी liquid के अंदर solution के अंदर डाले हुए हैं ना? Yes, ma'am. हाँ, अब मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट ने कि मैम आर दे प्रिजर्विंग इट इन वाटर, बिकॉज अर्लियर इट यूज्ड टू बी वेरी कॉमन. इवन हमारे इंस्टीट्यूट में भी लैब थी जिसमें कई बच्चे हैं जिनके सिबलिंग्स यहाँ पढ़े हैं, जिनके ब्रदर सिस्टर पढ़े हैं. इनफैक्ट आदित्य आपके भी सिबलिंग्स यहीं पढ़े हैं शायद. Yes, ma'am. ना काफी साल पहले और बहुत सारे बच्चों के पढ़े हैं. तो दे हैड एन आइडिया कि वी यूज्ड टू हैव अ लैब, साइंस बायो लैब, जिसमें हम ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कॉकरोच डाइसेक्शन, फ्लावर डाइसेक्शन बहुत कुछ करते थे. लेकिन नाउ एज इट इज बैंड, एज यू आर नॉट अलाउड टू प्रिजर्व द एनिमल्स, तो इसमें प्रिजर्व बहुत सारे बच्चों ने पूछा मैम ये पानी में रखे हुए एनिमल्स, नो वी कैन नॉट कीप देम इन वाटर. तो अर्लियर डेज तो बच्चों को बड़ा मजा आता था डाइसेक्शन में. एंड यू ऑल नो कि साइंस आपने बायो ली है तो यू हैव टू डू डाइसेक्शन. तो कोई बच्चा कॉकरोच ले आता था, कोई बच्चा लिजर्ड ले आता था, कोई फ्रॉग. एक बच्चे ने क्या किया, फ्रॉग जैसे रास्ते में उसे फ्रॉग मिला तो उसने क्या किया, घर जाके वो जो कर्ड जिसमें आते हैं ना प्लास्टिक के कैंस, कर्ड जिसमें दही आता है आपका बेर का, उसमें उसने डाल दिया फ्रॉग कि कल मैम के पास लेके जाना है. और उसमें उसने डाल दिया पानी कि अगर मैंने ऐसे रखा तो ये, क्योंकि साइंस स्टूडेंट अब दिमाग तो सब लगाएंगे, तो उसने सोचा कि इसको पानी में डाल के रखती हूँ मैं और नेक्स्ट डे मैम के पास ले जाऊंगी तो पानी में खराब नहीं होगा, अगर मैंने अके ऐसे रखा तो इसमें बदबू आ जाएगी. तो अगले दिन जब उसे वो उसने उसको फॉइल से कवर कर दिया. नेक्स्ट डे व्हेन शी केम फॉर द क्लास एंड उसको लेके आए तो उसने देखा कि वो तो फूल गया पूरा और वो पूरा कप में फिल हो गया, क्योंकि एंडोस्मोसिस, जब हम पानी में रखते हैं ना डेड बॉडी को तो फूल जाती है और तैरने लगती है. कितनों को पता है, सॉरी टू से दिस थिंग इज going on these days. आपने सुना होगा एक बड़ी unfortunate news चल रही है आजकल कि यमुना रिवर में लोगों ने लाशें फेंकी हैं, they are all floating on the surface of water. मरने के बाद हमारी बॉडी फूल जाती है, पानी भर जाता है और फ्लोट करती है. सेम इज विद द एनिमल्स. तो यू कैन नॉट कीप देम इन वॉटर, इट इज द फॉर्मलिन. इस सोल्यूशन का नाम अगेन अ नीट क्वेश्चन, फॉर्मलिन में डाला जाता है. फॉर्मलिन क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड इन वॉटर. बड़ी गंदी बदबू आती है, हाथ पे गिर जाए ना तो काफी देर तक उसकी. ह्यूमंस को तो हम मैम फ्रीजर में रख देते हैं ना. हाँ बच्चे, नहीं ये तो प्रिजर्व उनको कर रहे हैं जिनको आपने स्टडी करना है. ह्यूमंस को हम ऐसे स्टडी नहीं करते. ह्यूमन को नहीं आप प्रिजर्व करोगे, ह्यूमन को तो की हड्डियां, स्केलेटन को प्रिजर्व करो. एंड दैट इज विदाउट सॉल्यूशन. बट मैम इफ स्टील पुट ह्यूमंस इन दिस सॉल्यूशन देन क्या कह रहे हो, ह्यूमन अगर यस मैम इफ अ ह्यूमन इज जस्ट प्रिजर्व्ड इन दिस सॉल्यूशन देन बच्चे बहुत ज्यादा एक तो सॉल्यूशन चाहिए होगा ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व करने में एंड इट इज नॉट नो यूज क्योंकि हमारी बॉडी डिग्रेड कर जाती है. 3-4% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर. फॉर्मेल्डिहाइड एक सॉल्यूशन होता है. एल्डिहाइड तो आपको समझ आ रहा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड. एल्डिहाइड आपने 10th में पढ़ा है. तो फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल बोलते हैं उसको, पानी में डालते हैं उसकी 3-4 ड्रॉप 100 ml वाटर में. तो इसको 96 ml में, मतलब आपने 100 ml बीकर लिया है जिसमें 96 ml पानी डाला हुआ है और सिर्फ 4 ml जो आपने ये डाला हुआ है एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, टोटल 100 हो गया. तो ये आप इस सोल्यूशन को लेते हो और जितने आपको स्पेसिमेंट्स डालने हैं उन बॉटल्स में डाल देते हो. इसका फायदा ये होता है कि इट विल नॉट डिग्रेड द ऑर्गेनिज्म. एक तो एंडोस्मोसिस नहीं होगी और दूसरा जो कलर है उसका वही रहेगा. कुछ सालों बाद चेंज हो जाता है. सपोज फ्रॉग आप लेके आए थे ग्रीन कलर का, कुछ दिनों में उसका कलर ब्लैक हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा बिकॉज उसका पिगमेंट खत्म होना शुरू हो जाता है इन दिस केमिकल. तो म्यूजियम में यू प्रिजर्व द एनिमल्स इन लिक्विड. तो ट्राई टू राइट डाउन क्विकली
museum, preserved animals? Animals are preserved animals. Next line, Miliko. Animals are dried and preserved in a specimen. Dried, preserved in a specimen, comma, skeleton or fossil. कई बार dinosaurs के आपने देखे हैं ना लिखे रखे होते हैं. Human के भी होते हैं. Yes. Insects को कैसे preserve करते हैं? केमिकल में कि खाली हवा में, मतलब पेपर के ऊपर? केमिकल. हम केमिकल. यस. एनीवन हु इज सेइंग कि ऐसे ही पेपर पे? एनीवन. दो बच्चों ने बोला केमिकल. ड्राइड एंड पिंड, उनको ऐसे ही रखते हैं. अरे मैंने अगर ये पानी में डाला, वो तो जो जो बटरफ्लाई है उसके इतने सुंदर पंख, एक तो पानी में उसके केमिकल में उड़ जाएगा और ये पानी से खराब हो जाएंगे. ठीक है, उनको बोर्ड पे ही लगा देते हैं, उनके ऊपर पॉलिथीन. तो इंसेक्ट्स आर ड्राइड एंड पिंड, पिन के साथ लगा देते हैं बोर्ड के ऊपर. तो ड्राइड एंड पिंड. एंड लार्ज एनिमल्स, दे आर स्टफ्ड. लार्ज एनिमल्स के बीच में ना स्टफिंग कर देते हैं, भर के रख देते हैं. और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रह गया. वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस क्लास टुडे. Yes. Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt. Yes, बोलो बच्चे. Ma'am, do dinosaurs used to exist earlier in early times? Yes, they were. They were present, बच्चे. Okay, ma'am. क्योंकि fossils मिले हैं ना, fossils are a proof that they existed. Okay. So, if you have a doubt, stay back. Otherwise, you can leave. Take care, everyone. I'll discuss and okay, bachche. Okay, you too. Take care, bachche. Thank you, ma'am. Have a good day. Okay. Ma'am, we will discuss museum next time also. हाँ, अभी थोड़ा सा टॉपिक रहता है बच्चे.